हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान ऑटो। दोस्तों, पल्सर सीरीज के एक और पल्सर मॉडल इन 160 को कल जो है टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। आपको तो पता ही है कि बजाज अभी अपने पल्सर सीरीज के छोटे मॉडल्स को तैयार करने में फोकस्ड है, इसीलिए रिसेंटली दो दिन पहले ही स्पॉट हुए पल्सर 125 के बाद अब जो है पल्सर के एक और मॉडल को स्पॉट किया गया है, पल्सर इन 160। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज की इसी अपकमिंग नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक के बारे में कि आपको इस बाइक में कौन कौन से फीचर्स दी जाएंगी, बाइक की लुक पल्सर सीरीज के बाकी बाइकों से कितनी अलग होगी और कब तक ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी, लगभग कितने प्राइस टैग के साथ। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो को जो है आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आपको तो पता ही है, NS सीरीज में NS 200, NS 160 और NS 125 मौजूद है। वैसे ही बजाज N 250 के लॉन्च के बाद N सीरीज के लाइनअप को भी एक्सपेंड करना चाहती है, इसलिए दोस्तों बजाज N 160 के ऊपर काम कर रही है। बट काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि N 160 लॉन्च के बाद NS 160 को रिप्लेस कर देगी, हालांकि इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पल्सर के इस 160cc बाइक को जो है आज फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया है और इसे N160 कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो काफी हद तक पल्सर के लास्ट लॉन्च बाइक N250 जैसा सिमिलर दिखाई दे रही है। जैसा कि बाइक की साइड पैनल्स, टैंक्स, राउट्स, हेडलाइट काउल्स, सभी का डिजाइन जो है पल्सर के N250 जैसा ही सिमिलर दी गई है। इसके अलावा बाइक में N250 के जैसा ही एक सिंगल प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का भी यूज किया गया है विद LED DRLs। लेकिन दोस्तों, इंडिकेटर्स आपको बल्ब में ही देखने को मिलने वाली है। बाइक की जो टेल सेक्शन है वो थोड़ी हाईली सेट होने वाली है, जिसमें आपको एक स्प्लिट सीट सेटअप और स्पोर्टी अंडरबेली एग्जॉस्ट का यूज देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इसके पावर की, तो इस बाइक में पावर जनरेट करने वाली है एक 160cc की न्यू एयर कूलिंग सिस्टम वाली इंजन, जो मैक्सिमम 17.2 PS तक की पावर और 14.6 Nm तक का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। पल्सर इन 160 का ओवरऑल लुक जो है दोस्तों, वो लगभग 90% इन 250 के जैसा ही सिमिलर दिखाई दे रही है। साथ ही सेम चैसी में बेस्ड होने के कारण इसके भी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप का यूज देखने को मिलने वाली है। बाइक के बोथ साइड आपको सिंगल डिस्क ब्रेक अलोंग विथ सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाली है। अब फाइनली बात करें बाइक के लॉन्चिंग के बारे में, तो स्पॉटेड इमेज में बाइक कैम्बो फ्लैग में कवर्ड ना होकर प्रॉपर पेंट में कवर्ड है, जिससे ये कहा जा सकता है कि बाइक अपनी फाइनल स्टेज में है, जो लगभग आपको 2 महीनों के अंदर ही लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है।